अगला सवाल देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल का है। इसमें कहा गया एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप इन टू 10^-29 कूलम्ब मीटर इज एट द ओरिजिन। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल एट R इज इक्वल टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप, नोट दैट R डॉट P इज इक्वल टू जीरो इज पैरेलल टू। एक्चुअली में आप देखेंगे कि ये जो डायपोल है ना, अगर मान लिया जाए ये डायपोल कहीं ऐसे है, ठीक, यहां पर कहा गया कि ये जो R बताया गया, जो पोजीशन बताया गया है R और डायपोल में, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि R जो है ये हो गया परपेंडिकुलर टू P। तो डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर इक्विटोरियल लाइन होता है, ठीक है, डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर इक्विटोरियल लाइन होता है, और इक्विटोरियल लाइन पर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं वो डायपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आता है इधर, ठीक। तो यहां पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा गया है, पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट दिस पोजिशन इज पैरेलल टू, तो मतलब डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर होगा इधर, उसी के पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके ऑपोजिट आप देखेंगे कि थर्ड वाला दिया गया है ना, उसके आगे अगर माइनस साइन लगा देंगे जो वेक्टर दिया गया है, तो ये आएगा आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस टू के कैप, ये डायपोल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसी के पैरेलल वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसलिए जो तीसरा ऑप्शन है ये सही ऑप्शन होगा।